हेलो। हाँ भी मिशाल, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम अदाब भाई, आप कहाँ पे हैं अभी? मैं अभी घर ही जा रहा हूँ। सो तुम कहाँ पे हो? अच्छा अच्छा, कितनी जल्दी घर जा रहे हैं भाई। क्या किया जाए, बेगम साहिबा ने याद किया था, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ फूल लूँ और बेगम साहिबा की खिदमत में हाजिर हो जाऊँ। हाउ रोमांटिक। वैसे आज आप ही ने भी मुझे काफी बार फोन किया और कह रही थी कि जल्दी घर आ जाओ। वैसे मिशाल, मेरी जल्दी घर जाने की वजह और भी है। और वो क्या है? यू वोंट बिलीव इट, बट मेरी आज प्रमोशन हुई है। सीरियसली अदाब भाई? वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। तो एक काम करते हैं ना, मैं भी अभी घर आ रही हूँ, आप और आप भी मिलके सेलिब्रेट कर लीजिए। चलो जबरदस्त, जल्दी से पहुंचो तो मैं भी पहुंच रहा हूँ। ओके मैम, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय। चलो आऊंगा। ये तावीजों का किसने बताया इसे? दोनों बहनें बहुत चला के हर वक्त जासूसी करती रहती हैं। आहिस्ता बोल, कोई सुन ना ले। क्यों आहिस्ता बोलूं? सिर्फ यही है घर में, और कोई नहीं है। और ये इसकी बहन के साथ क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया था अम्मा, उसका वो हमाद के साथ ना कोई चक्कर नहीं था। हमाद के साथ मिलकर मैंने उसको बदनाम किया था बस। अब देखना, इसके साथ इससे भी बुरा करूंगी मैं। सलीक घटिया औरत, तुम इस हद तक भी गिर सकती हो? तुम्हारी असलियत मैं सबको बताऊंगी। जाओ जाओ, जो करना है कर लो। और आप कभी बंदोबस्त करती हूँ मैं, आप दोनों जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं। अभी पुलिस को फोन करके सब कुछ बताती हूँ। पुलिस? काफी खुश लग रहे हैं आप। बात ही कुछ ऐसी, शामीन मुझे प्रमोशन मिल गई। इनफैक्ट मेरी सैलरी भी अच्छी खासी इंक्रीज हो गई। क्या, ये तो वाकई बहुत खुशी की खबर है। रुदाब, आप सोच भी नहीं सकते मुझे कितनी खुशी हो रही है। कितनी दुआएं मांगी थी मैंने, अल्लाह ने सब सुन लिए। आज मैं जी भर के तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब ये इमोशनल बातें करना छोड़िए और घर जल्दी आ जाइए, मिठाई लेकर आएगा। ये खबर जाकर मैं ताया बुर ताइनी को सुनाती हूँ, वो बहुत खुश होंगे। अच्छा बाबा, मैं बस सभी आया। You take care. I'll see you in a bit. Bye. रुको, मेरी बात सुनो। अम्मा, ये तो गिर के बेहोश बेहोश हो गई है कि मर भर तो नहीं गई, हमारे सर पर आ जाएगा। अरे कैसी मनहूस फाले मुंह से निकाल रही है, कुछ नहीं हुआ, बेहोश हुई है। ये तो प्रेग्नेंट भी है, कहीं कुछ हो गया तो इसे उठाएं क्या करें? ये कौन आ गया अम्मा? अम्मा, कोई आ गया, पापा पापी आ गए, तो ये इसको कुछ हो गया तो हमारे सर पे इल्जाम आ जाएगा, क्या करें? चल तू, चला तू आई बना को डाल तू, मेरे ख्याल से चल 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 चल, छोड़ दे इसको यहाँ पे, दफा कर, चल चल निकल, हम तो निकले। हाँ मिशाल। हेलो रुदाब भाई, मैं कब से आप ही को फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही। That's strange. मेरी बात सुनी थी आपने, से उन्होंने मुझे खुद बताया था कि वो घर पे ही हैं। बल्कि मुझे बताया कि घर तो और कोई भी नहीं, आप ही घर पे ही हैं। किसी काम में बिजी होंगी, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। खैर मैं घर पहुँच ही गया, मैं अंदर जाके तुम्हारी बात कराता हूँ, ठीक है? ओके बाय।
यहाँ अभी फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? शामीन शा शामीन 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 चल रहा मैं शामीन जरा सा भी अंदाजा है कि मैं कितनी देर से तुम्हारी कॉल का मुंतजर था? आई एम सॉरी यार, मैं तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं कर सकती। दरअसल यूनिवर्सिटी से घर आते आते देर हो गई, लेकिन देख लो घर आते ही तो मैं कॉल बैक कर रही हूँ। इसका जुर्माना तो तुम्हें भरना पड़ेगा। जुर्माना भरने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें गुड न्यूज देना चाहती हूँ। गुड न्यूज हो गया भाई? हम लोग नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान आ रहे हैं। व्हाट? देखो शामी, इस बार अगर तुम आई ना तो मैं वापस नहीं जाने दूंगा। और हाँ, तुम लोगों के आते साथ ही मैं चाचा जान से हमारे रिश्ते की बात करूंगा। मैं अपने बेटे रुदाब और शामीन की मंगनी का ऐलान करता हूं। लो बेटा। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं, या अंगूठी बनाओ। तुमने शामिल कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। अच्छा पापा, वो तो मतलब बहुत अच्छा सरप्राइज दिया तुमने मुझे। ताई जान मुझे अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट करेंगी? इन सब चीजों की क्या गारंटी? ताई जान के भाई मेरी वजह से उनसे नाराज होकर चले गए। नहीं बाबा, तुम्हारी वजह से नहीं गए, बल्कि अम्मी की खुद की अपनी गलतियों की वजह से। अच्छा खैर, रिलैक्स कर, तुम देखना वक्त समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जस्ट ट्रस्ट मी। ताई जान की इस फैसले की वजह से ताई जान को बहुत झटका पहुंचा। रुदाब, मैं ये सब लड़ाई झगड़े पैदा करके तुम्हारी जिंदगी में शामिल नहीं हो सकती। डॉक्टर साहबा, मेरी वाइफ है अंदर, वो कैसी हैं? डॉक्टर साहब, मैं आपको कोई भी झूठी तसल्ली नहीं देना चाहती,
इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है और हमारी कोशिश है कि हम दोनों के नाश हो तो कम से कम किसी एक की जान तो बचा सके। एक बार हमारी शादी हो जाने दो, उसके बाद देखना अम्मी तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हो जाए। just hang it. और आज के बाद ये रिंग मैं तुम्हारी फिंगर से उतरेगी ना दूं। और वादा करो मुझसे कि मरते दम तक तुम इसे मेरी जिम्मेदारी प्रॉमिस। ठीक तो हो जाएगी ना? मैं तो कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। मैं नहीं डर सकता उसके बगैर। यार तुम जाके डॉक्टर से कहना कि उसे बचा ले, बच्चे की परवाह नहीं मुझे। यार मैं नहीं डर सकता। कुछ नहीं होगा उन्हें। यस तू डॉक्टर मुझे जाके देखना यार क्या। कहाँ थे तुम लोग? वो अब्बा हम लोग बाहर गए थे। बताया तो था आपको। बताया तो था लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं था कि सुबह से शाम हो जाएगी तुम लोगों को खरीदारी करने में। और क्या खरीदारी करके लाए हो? कुछ नजर तो नहीं आ रहा मुझे। अरे क्या करें, हर चीज में इतनी आग लगी हुई है, इतनी महंगाई हो गई है। इसके बच्चे के कपड़े लेने गए थे। कब से मैं फोन कर रहा हूँ तुम दोनों को, दोनों में से किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया। पता है रोशन आरा का फोन आया था, बहुत बुरी खबर है, शामीन सीढ़ी से गिर गई है, बहुत बुरी तरह से चोट आई है उसे। हाय अल्लाह, ये कब हुआ, कैसे हुआ? इसकी हालत बहुत नाजुक है, हमें फौरन अस्पताल जाना होगा। चले चले चल, फौरन चलते चलते। अब्बा अगर उनको पता चल गया कि ये सब आहिस्ता बोल, दीवारों के भी कान होते। चलो जल्दी। माँ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चले मैंने नहीं जाना। उठ जा, जूते खाएगी क्या? चल जल्दी कर, आ जा आ जा। हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम सिर्फ आपकी बेटी को बचा सके। I'm so sorry, लेकिन अब आपकी वाइफ इस दुनिया में नहीं रही।
रात लाके देख ना यार, उसे नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकती, ऐसे नहीं जा सकती यार, ऐसे कैसे कैसे जा सकती है, जा भी।